हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल का भौगोलिक स्वरूप से अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल का शाब्दिक अर्थ। हिमाचल के शाब्दिक अर्थ अर्थात हिम जमा आचल, हिमालय के आंचल में बसा प्रदेश। हिमाचल किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। हिमाचल किस देशांतर और अक्षांश में स्थित हैं? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित हैं। हिमाचल भारत के किस भाग में स्थित हैं? उत्तर भाग में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित हैं? 23 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल भारत का कौन सा राज्य है? अगर केवल हम राज्यों की बात करें तो 17वां है, लेकिन ओवरऑल जो है वो 18वां राज्य है, लेह लद्दाख को इंक्लूड करने के पश्चात। हिमाचल प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र अवस्थित है? 1.7%। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग मील तथा हेक्टेयर में कितना है? हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 37,03,286 वर्ग हेक्टेयर हैं, और अगर हम वर्ग मील की बात करें तो 21,495 वर्ग मील हैं। लेकिन टोटल अगर हिमाचल के क्षेत्रफल की बात किलोमीटर में करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर हैं। प्रदेश का भौगोलिक आकार कैसा है? हेक्सागोनल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ मैप के अंदर। इसका जो आकार है वो हेक्सागोनल है, यानी षट्भुजी है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? हिमाचल का है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा हिमाचल के साथ लगती है? लद्दाख। हिमाचल प्रदेश का पूर्वतम जिला कौन सा है? मैप में देखिए, किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत और चीन के साथ लगती हैं? किन्नौर हैं, लाहौल स्पीति हैं। किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक कितना और प्रदेश का कितना प्रतिशत है? लाहौल स्पीति का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और इसका कुल क्षेत्रफल 13,835 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का 24.8% है। किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम कितना और प्रदेश का कितना प्रतिशत है? हमीरपुर जिला आप यहाँ देखिए, इसका क्षेत्रफल 1,118 वर्ग किलोमीटर है और प्रदेश का केवल 2% के लगभग है। प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? 90% भाग जो है पहाड़ी है। भूवैज्ञानियों ने हिमाचल हिमालय को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय जिसको कहते हैं, निम्न हिमालय, इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है, बृहद हिमालय, और साथ में लास्ट में है अल्पाइन खंड। प्रदेश की सर्वाधिक सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ देखिए, ये पंजाब के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा प्रदेश की लगती है। प्रदेश के जिले के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो किन्नौर के साथ लगती है, चीन की। प्रदेश के कितने जिले अंतर्राज्य सीमा रेखा पर स्थित हैं? 9 जिले हैं, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर। कितने जिले अंतर्राज्य सीमा पर स्थित नहीं हैं, जिन्हें लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है? कुल्लू है, मंडी है और हमीरपुर है, ये 3 जिले हैं। कौन से जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है? कांगड़ा के साथ लगती हैं, आप यहाँ देखिए, कांगड़ा के साथ चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, मंडी है, हमीरपुर है और ऊना है। कौन से जिले पंजाब के साथ लगते हैं? पंजाब के साथ लगता हुआ चंबा है, कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर है और सोलन है। कौन से जिले हरियाणा के साथ लगते हैं? सोलन है और सिरमौर है। कौन से जिले उत्तरांचल के साथ लगते हैं? सिरमौर है, शिमला है और किन्नौर है। कौन से जिले जम्मू व कश्मीर के साथ लगते हैं? चंबा है और लाहौल स्पीति है। लद्दाख के साथ कौन सा जिला लगते हैं? लद्दाख के साथ चंबा और लाहौल स्पीति लगते हैं। हिमाचल हिमालय को कितने और भागों में, कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया गया है? हिमाचल हिमालय को
बाह्य हिमालय जिसको आउटर हिमालय कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी वहाँ स्थित है, लेसर हिमालय जिसमें कि आपके पास धौलाधार और पीर पंजाल की श्रेणियाँ स्थित हैं, और बृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय जिसमें कि जांस्कर श्रेणी स्थित हैं, और सबसे लास्ट में आपके पास ट्रांस हिमालय अल्पाइन खंड स्थित हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? शिवालिक श्रेणी हिमालय के बाह्य भाग में स्थित हैं। शिवालिक श्रेणी में प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग है? शिवालिक श्रेणी में प्रदेश का 35% भूभाग स्थित है। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिव की अलकें अर्थात शिव की जटाएं। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। शिवालिक हिमाचल के किस ओर स्थित है? यमुना के पूर्व से रावी के पश्चिम तट तक जो है वो स्थित हैं। शिवालिक को प्राचीन भूवैज्ञानिक इस नाम से पुकारते थे, मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी की जलवायु कैसी है? आर्द्र उष्ण जलवायु है। शिवालिक श्रेणी में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर यानी 1500 mm से 1800 mm के मध्य। शिवालिक श्रेणियाँ प्रदेश के किन जिलों में स्थित नहीं हैं? किन्नौर हैं, लाहौल स्पीति हैं, कुल्लू हैं, ये तीन जिले हैं जहाँ पर कि शिवालिक श्रेणी स्थित नहीं है। किस प्रकार के फल शिवालिक श्रेणी में उगाए जाते हैं? शिवालिक श्रेणी में सिट्रस यानी रसदार फल उगाए जाते हैं। कांगड़ा, कुल्लू, क्यारदा, ब्लह, नालागढ़, स्प्रून की घाटियाँ किस श्रेणी में स्थित हैं? शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित हैं। शिवालिक के तलहटी में स्थित घाटियों की ऊंचाई कितनी है? 350 से लगभग 700 मीटर तक। शिवालिक श्रेणी में मृदा अपरदन से निर्मित गहरे गर्त या भ्रंश को क्या कहा जाता है? उन्हें चो कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी हिमाचल में कहाँ से कहाँ तक फैली है? शिवालिक श्रेणी हिमाचल में यमुना नदी के पूर्व तट से लेकर रावी नदी के पश्चिम तट तक फैली हुई है। शिवालिक श्रृंखला को हिमाचल में कौन सी नदियाँ काटती हैं? शिवालिक श्रेणी को हिमाचल में सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब चारों नदियाँ काटती हैं यमुना को छोड़ करके। शिवालिक श्रेणी में किस उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? सोन उत्तर पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। कौन सी श्रेणी एशिया में जीवाश्मों का सर्वाधिक भंडार स्थित है? किस श्रेणी में? शिवालिक श्रेणी में। शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक खनिज भंडार किसके हैं? चूने के, पत्थर के। एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क किस जिले में और कौन सा है? सिरमौर में सुकेती फॉसिल पार्क। शिवालिक की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शिवालिक की सर्वोच्च चोटी जो है वो हाथीधार है। हाथीधार श्रृंखला किन दो जिलों के बीच में स्थित है? ये कांगड़ा और चंबा के मध्य स्थित है। चंबा और जम्मू के रिहलू के मध्य कौन सी श्रृंखला है? हाथीधार। सिकंदर धार, सोलह सिंगी धार, रामगढ़ धार, नैना देवी धार, धाठी धार, चांदपुर धार किस श्रेणी की श्रृंखलाएं हैं? ये शिवालिक श्रेणी की श्रृंखलाएं हैं। सिकंदर धार कहाँ स्थित है? मंडी में, और इसकी ऊंचाई 1540 मीटर है। सोलह सिंगी धार की कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? सोलह सिंगी धार जो है वो बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में स्थित हैं, और इसकी जो ऊंचाई है 370 मीटर से 1200 मीटर के मध्य है। सोलह सिंगी धार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी सर्वोच्च चोटी भारवेन है जो कि ऊना में स्थित है, 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी में स्थित पालमपुर, धर्मशाला व जोगिंद्र नगर की जलवायु कैसी है? यहाँ की आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? धर्मशाला में होती है, 297 सेंटीमीटर या 2970 मिलीमीटर। शिवालिक श्रेणी कितनी ऊंचाई के मध्य में स्थित है? 350 से 1500 मीटर के मध्य। शिवालिक श्रेणी की मिट्टी का प्रकार कौन सा है? पथरीली और चिकनी मिट्टी। शिवालिक की तलहटी में स्थित घाटियों का निर्माण किस मृदा से होता है? अल्युवल सॉयल या अवसादी मिट्टी जिसको आप कह सकते हैं दोमट मिट्टी। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करती है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। किस ओर जाने से प्रदेश की ऊंचाई निरंतर बढ़ती है? पश्चिम से पूरब की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने से प्रदेश की ऊंचाई बढ़ती है। हिमाचल में कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के समानांतर नहीं है?
पीर पंजाल कौन सी पर्वत श्रृंखला कुल्लू और लाहौल स्पीति से अलग करती हैं? जांस्कर पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला कुल्लू व लाहौल स्पीति को अलग करती हैं? पीर पंजाल। हिमाचल के शीत क्षेत्र में किन फसलों को उगाया जाता है? स्टोन फ्रूट, जिसको आप कहते हैं गुठलीदार फलों को। डलहौजी के समीप किस स्थान पर पीर पंजाल की सुंदरता देखते ही बनती है? इसे कहा जाता है ध्यानकुंड। कुल्लू और मंडी को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? धौलाधार। दागनी धार कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? पांगी। दागनी धार किस जिले में स्थित है? चंबा में। रावी के बाएं कांगड़ा व चंबा में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? हाथी धार। हाथी धार किन जिलों में स्थित है? कांगड़ा व चंबा में। चंबा की किस तहसील में हाथीदार अधिकांश भाग पड़ता है? भटियात चंबा की। प्रदेश की कौन सी नदियाँ पीर पंजाल श्रृंखला से निकलती है? रावी, व्यास, चिनाब। मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को लेसर हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमाचल हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित हैं? धौलाधार और पीर पंजाल। मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। मध्य हिमालय कितनी ऊंचाई के मध्य स्थित है? मध्य हिमालय 1500 से 4500 मीटर के मध्य स्थित है। किन जिलों के ऊपरी क्षेत्र मध्य हिमालय में पड़ते हैं? सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ये जिले हैं जिनके अधिकांश ऊपरी क्षेत्र मध्य हिमालय में पड़ते हैं। प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग मध्य हिमालय में स्थित है? लगभग 31%। मध्य हिमालय की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 180 सेंटीमीटर यानी 1800 मिलीमीटर से अधिक। कौन सी नदियाँ पीर पंजाल को रामपुर में लार्जी को और चंबा को काटती हैं? रामपुर में सतलुज नदी, लार्जी में ब्यास नदी और चंबा में रावी नदी काटती हैं। पीर पंजाल के दोनों ओर कौन सी नदियाँ स्थित हैं? एक ओर ब्यास तथा रावी हैं, दूसरी ओर चनाब नदी हैं। सिरमौर की कौन सी सर्वोच्च चोटी मध्य हिमालय में स्थित है? चूड़धार चोटी 3647 मीटर, जिसकी हाइट है। सिरमौर की सर्वोच्च चोटी भी है। किस श्रेणी में अजीवाश्मीय अवसाद स्थित हैं? मध्य हिमालय की श्रेणियों में धौलाधार तथा पीर पंजाल। दियोटिब्बा तथा इंद्रासन पर्वत किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। किस स्थान पर धौलाधार और पीर पंजाल एक दूसरे को छूती हैं? ये बड़ा भंगाल है, यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पर पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणियाँ एक दूसरे को छूती है। एशिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है और कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा हिमखंड बड़ाशिगरी जो है वो लाहौल स्पीति तथा कांगड़ा के मध्य स्थित हैं, बड़ा भंगाल के मध्य स्थित हैं। बड़ा भंगाल तथा छोटा भंगाल किस जिले में स्थित हैं? कांगड़ा जिले में स्थित हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल को विभाजित करती है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। धौलाधार की औसत ऊंचाई कितनी है और कांगड़ा में कितनी है? धौलाधार की औसत ऊंचाई जो है वो 4550 मीटर है, जबकि कांगड़ा में 3600 मीटर है। कौन सी पर्वत चोटी धौलाधार के मैटर हॉर्न कहलाती हैं? तीन चोटियां हैं, मन्नू चोटी धर्मशाला में है, कैलाश चोटी और गौरी जुंदा चोटी, ये धौलाधार के मैटर हॉर्न कहलाते हैं। कौन से जिले के ऊपरी क्षेत्र धौलाधार श्रृंखला में स्थित हैं? धौलाधार श्रृंखला में विशेष करके कुल्लू, मंडी, कांगड़ा,
चंबा के ऊपरी क्षेत्र जो है वो स्थित हैं। धौलाधार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हनुमान टिब्बा जो कि कांगड़ा में स्थित हैं और जिसकी ऊंचाई जो है 5,860 मीटर है। धौलाधार श्रेणी में किस खनिज की बहुतायत होती है? यहाँ पर चूने का पत्थर और ग्रेनाइट का जो पत्थर है उसकी बहुतायत रहती है। भीम घसोत्री, मनक्यानी और इंद्रहार दर्रे किस श्रेणी में स्थित हैं? ये धौलाधार में स्थित हैं। छोबियाँ, मणिमहेश, दागनीधार, दराती दर्रे ये पीर पंजाल में स्थित हैं। बृहद हिमालय में प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग पड़ता है? बृहद हिमालय में हिमाचल का 32% भाग स्थित हैं। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 4,500 मीटर से 7,000 मीटर के मध्य है। बृहद हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? जांस्कर श्रृंखला है। जांस्कर श्रेणी हिमाचल के किन जिलों से होकर के गुजरती है? किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा। कौन सी श्रेणी हिमाचल को तिब्बत तथा चीन से अलग करती हैं? ये यहाँ पर जांस्कर श्रेणी है जो कि हिमाचल को तिब्बत तथा चीन से अलग करती हैं। हिमाचल हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक हिमखंड है? बृहद हिमालय में है। रियो परजियाल, शिपकी, मानेरंग, मुरकिला, परांगला, चुरहा, पांगी, रानीसो, कांगला, बरालचा, पिन पार्वती दर्रे किस भाग में स्थित हैं? ये हिमाचल के बृहद हिमालय में स्थित हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल की पूर्वतम श्रृंखला है? जांस्कर पर्वत श्रेणी। हिमाचल की कौन सी सर्वोच्च चोटी बृहद हिमालय में स्थित है? शिला, जिसकी ऊंचाई 7,026 मीटर है, जो कि किन्नौर में स्थित हैं। गैटे, हिक्किम, किब्बर, तंगयुंग, चांगो किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित हैं? ये जांस्कर पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित हैं। किस स्थान को हिमाचल का शीत रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? काजाको, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित हैं। हिमाचल हिमालय की किन दो नदी तंत्रों को जल प्रदान करते हैं? गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। लेह लद्दाख को कौन सी श्रृंखला चंबा से अलग करती है? जांस्कर श्रेणी। हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च 10 चोटियां हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? बृहद हिमालय में स्थित हैं। हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड बड़ा शिगरी किस जिले और किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं? ये जांस्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं, लाहौल स्पीति में स्थित हैं। हिमालय का कौन सा भाग सबसे प्राचीन भाग है? अल्पाइन खंड कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ये सबसे प्राचीन भाग। हिमाचल के किन जिलों में क्षेत्र ट्रांस हिमालय पड़ता है या हिमाचल के किन जिलों में ट्रांस हिमालय स्थित हैं? सिर्फ लाहौल स्पीति का क्षेत्र हैं और किन्नौर का जो कुछ क्षेत्र हैं ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है, अल्पाइन खंड में पड़ता है। हिमालय के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं है? ये ट्रांस हिमालय है, अल्पाइन खंड है, जहाँ की मानसून की पहुंच नहीं है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग अल्पाइन खंड को छूता है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग अल्पाइन खंड को छूता है।